जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आप यीशु दरबार की सभा में आदरणीय बाबा जी के द्वारा यीशु मसीह के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना और आशा है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के विशेष दिन के लिए। आज हम खास तौर से कुछ सवालों के जवाब जो दुनिया आजकल ढूंढ रही है उसको हम देना चाहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह में आखिर ऐसी कौन सी खूबी है या खासियत है, या वो क्यों ऐसे अद्भुत हैं जिनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, उन्हें क्यों अद्भुत कहा जाता है और एकमात्र मुक्तिदाता कहा जाता है। अक्सर देखते हैं कि प्रचारक जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि यही एकमात्र मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये भी बहुत सुना होगा आपने। आखिर प्रभु यीशु मसीह को मार्ग क्यों कहा जाता है, यीशु मसीह को सत्य क्यों कहा जाता है, यीशु मसीह को जीवन क्यों कहा जाता है, यीशु मसीह को ज्योति क्यों कहा जाता है, इन सवालों के जवाब हम लोग आज ढूंढेंगे प्रभु के वचन में, और प्रभु हम लोगों से आज बातचीत करेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है गुनाह और पाप, है कि नहीं है? है ना? गुनाह और पाप सबसे बड़ी दिक्कत है हर मनुष्य की, और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जानते हो कौन है? बगल में बैठा हुआ नहीं है कोई, आपका दुश्मन मनुष्य नहीं है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है कौन? पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, किसी जो दूसरी जाति या धर्म का व्यक्ति नहीं है आपका शत्रु, आपका सबसे बड़ा शत्रु है मौत, मृत्यु। मृत्यु का आत्मा सबसे बड़ा शत्रु है, और वो अक्सर हमें हरा देता है नहीं? सच है कि नहीं? वो एक ऐसा शत्रु है जिससे पैदा होने से लेकर 100 साल की उम्र तक आदमी लड़ता रहता है। एकमात्र ऐसा शत्रु है जिससे मनुष्य जन्म से लेकर मां के गर्भ में भी युद्ध लड़ता रहता है, क्योंकि मां के गर्भ से भी सुरक्षित पैदा होना भी बड़ा मुश्किल है। उसमें भी वो मौत हमारा जो शत्रु है पेट में ही मारना चाहता है। कितनी माताओं को भ्रमित कर देता है, कितनी माता और पिता को भ्रमित कर देता है, अरे भाई तुम इतने बच्चे नहीं पाल पाओगे, क्यों पैदा कर रहे हो, अब पेट में बच्चा आ गया है। मौत माता पिता के दिमाग में घूम रही है उस बच्चे के लिए, एक असुरक्षित बच्चा है जिसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी माता पिता को दी गई है। मां के गर्भ से बड़ा सुरक्षित स्थान नहीं है कोई, और वहां भी बालक को मौत पीछा कर रही है। मेरे प्रियो, हमें अपने शत्रु को पहचानना जरूरी है। हमारा शत्रु मौत है, हमारा शत्रु शैतान है, हमारा शत्रु हार्ड मास का नहीं है, हमारा शत्रु बहुत ही खतरनाक आत्मिक शक्तियां हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 3 पद से हम पढ़ेंगे, 3 से 5 तक, जिसमें हमारे शत्रु के बारे में बातचीत की गई है कि कौन है वो। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, वचन कह रहा है, संत पौलुस कह रहे हैं प्रभु के वचन में, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 3 पद से, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम उन कल्पनाओं को और हरेक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हरेक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया।
और इसी के सिलसिले में हम देखेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6:10 से पढ़ेंगे। इसमें आपके शत्रु की पहचान दी गई है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। ये लहू और मांस कौन है? मनुष्य है। लहू और मांस मनुष्य है। हो सकता है तुम्हारा नाते रिश्तेदार हो सकता है तुम्हारी जाति बिरादरी का हो सकता है तुम्हारे धर्म को मानने वाला और नहीं मानने वाला भी हो सकता है, हो सकता है पड़ोसी हो जो तुमसे दुश्मनी रखता, अदावत रखता है, तुमसे घृणा करता है, नफरत करता है, लेकिन वो भी तुम्हारा शत्रु नहीं है। बाइबल ये कह रही है, प्रभु का वचन कह रहा है कि तुमसे घृणा करने वाला, तुमसे नफरत करने वाला, तुम्हारे पर दोष लगाने वाला मनुष्य तुम्हारा शत्रु नहीं है, क्योंकि तुम्हारा युद्ध हाड़ मांस से नहीं है। तुम्हारा युद्ध किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, रूहानी ताकतें हैं। ये बदरूह हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं, जिन्हें हम हर शुक्रवार को, हर शनिवार को, हर इतवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। कुछ दिखाई देती हैं, कुछ दिखाई नहीं देती हैं। बुराई की आत्माएं हैं, झगड़े की आत्माएं हैं, व्यभिचार की आत्माएं हैं, तमाम तरीके के अनैतिक कार्यों को करने वाली दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव डालकर उससे दुनिया के सबसे गंदे काम कराती हैं, यहां तक कि हत्याएं भी करा देती हैं क्रोध दिलाकर। क्रोध की आत्मा भी है। प्रभु का वचन कहता है क्रोध मनुष्य का तो ठीक है, मनुष्य का क्रोध ईश्वरीय क्रोध हो सकता है, लेकिन जो मनुष्य का क्रोध पाप में बदल जाए वो क्रोध मनुष्य का नहीं है, ना ईश्वर का है। तुम्हारा क्रोध तो करो, लेकिन तुम्हारा क्रोध सूरज ढलने तक खत्म हो जाना चाहिए, तब तो मनुष्य का क्रोध है, तब तो वो ईश्वरीय क्रोध है। कि क्रोध तो आम बात है, आता है, बुरा लगता है, लेकिन वो बुराई, वो क्रोध तुम्हारी शाम को सूरज ढलने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। शैतान को और पाप बनने का मौका मत दीजिए। जब क्रोध हमारे मन में बस जाता है तो वो पाप को जन्म देता है, बुराई को, हत्या को जन्म देता है, गुनाह को जन्म देता है। इसलिए क्रोध को सूरज डूबने से पहले खत्म कर दो तो कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी ब्लड प्रेशर का रोग नहीं लगेगा तुम्हें। अगर क्रोध को सूरज ढलने से पहले समाप्त कर दो, क्षमा कर दो, क्रोध से वास्ता मत रखो। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मनुष्य का क्रोध जो है परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता, तो फिर क्रोध क्यों करना है यदि परमेश्वर के धर्म का निर्वाह हम नहीं कर सकते, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, जिसके वास्ते हम दुनिया में आए हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप को दिया है, जिसने हमें आत्मा दिया, हमें प्राण दिया और शरीर दिया है। हम परमेश्वर के समान और उसके स्वरूप में व्यक्ति हैं। आप सब ईश्वर हो और सब ईश्वर की संतानें हो, परंतु फिर भी मनुष्यों के समान मर रहे हो। कारण कि हम ईश्वर का चाल चलन नहीं चल रहे हैं, ईश्वर का दिया हुआ वचन नहीं मान रहे हैं, ईश्वर का दिया हुआ जो हमारे लिए मुक्तिदाता है, जो ईश्वर का दिया हुआ मुक्तिदाता इस पृथ्वी पर आया है, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम संसार में सब प्रकार की चीजों में फंसे हुए हैं। हमारा शत्रु अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं जो कि आकाश में हैं। हालेलुया।
समझ गए ना कि हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन पक्की बात है मनुष्य को प्रभावित करने वाली वो शक्तियां हैं जो अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्टता की शक्तियां हैं, बुराई की शक्तियां हैं, बुरी आत्माएं हैं जो मनुष्यों के दिलो दिमाग पर प्रभाव डालकर उससे हर प्रकार की बुराई कराती हैं इस पृथ्वी पर। और इसलिए आपस में आदमी लड़ रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा है, नाते रिश्तेदारों में बहनों में आपस में झगड़ा है, जरा सा एक फिट किसी को ज़्यादा मिल गया, हिस्सेदारी जब बंटवारा होता है तो भाइयों में बातचीत ख़त्म हो जाती है। ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा कुर्बानी नहीं कर सकते अपने भाई के लिए? थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने पड़ोसी के लिए? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रभु कह रहा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के हथियार क्या हैं? पहला हथियार, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, परमेश्वर का पहला हथियार जिससे हम अंधकार की शक्तियों पर काबिज हो सकते हैं, जिससे हम अंधकार की शक्तियों को हरा सकते हैं, जिससे हम झूठ को हरा सकते हैं, जानते हैं वो क्या है? सत्य है। हालेलुया। झूठ को हराने के लिए आपके पास सत्य का आत्मा होना चाहिए। यदि झूठी आत्माओं को हराना है तो सत्य के आत्मा पर चलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। यदि झूठ का सहारा लोगे, यदि आप झूठ का सहारा लेंगे तो झूठ को बढ़ावा देंगे, दुनिया में झूठ बढ़ता चला जाएगा। एक आदमी झूठ बोलेगा दूसरे के लिए, दूसरा बोलेगा उसके दूना झूठ बोलेगा, उस चौथा चौगुना झूठ बोलेगा, झूठ की अंत नहीं होगा। लेकिन हजारों झूठ एक सत्य से खत्म हो जाते हैं, हजारों झूठ एक सत्य से खत्म हो जाते हैं। तो हम एक सत्य को लेकर क्यों ना चलें ताकि हजारों झूठ खत्म कर सकें। हालेलुया। ये पहला हथियार है कि सत्य से अपनी कमर कस लो मेरे प्रियो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, धर्म की झिलम, धार्मिकता की झिलम। झिलम पहनते हैं जो सामने, पहले पुराने जमाने में योद्धा पहनते थे, लोहे का था, जाल पहनते थे ताकि उससे तलवार से चोट न लगे। ये झिलम, धार्मिकता की झिलम का नाम ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, ठीक है ना? धार्मिकता की झिलम न तो ईसाई है, न मुसलमान है, न हिंदू है, न जैन है, न सिख है। धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की झिलम स्वयं ईश्वर का कपड़ा है, स्वयं ईश्वर है। प्रभु का वचन भजन संहिता 119 में कहता है, मैंने तुझे आगे से और पीछे से घेर रखा है, आगे से और पीछे से घेर रखा है और तेरे सर पर हाथ रखा है। मतलब आगे भी प्रभु है, पीछे भी प्रभु है और सर पर हाथ भी प्रभु का है। भारी सुरक्षा, कितनी बड़ी सुरक्षा है बताइए आप, भारी सुरक्षा है। ये धार्मिकता की झलम दे रही है आपको। और पांव में मेल के सुषमाचार की तैयारी के जूते, यानी समय असमय मेल मिलाप करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए, मनुष्यों में और मनुष्यों का प्रभु से मेल मिलाप। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल से हर एक जलते हुए शैतान के तीरों को तुम बुझा सकते हो। अगर कोई तीर चला रहा है तुम्हारे ऊपर, झूठ के तीर चला रहा है, तुम विश्वास की ढाल से रोक सकते हो। हालेलुया। विश्वास की ढाल से जलते हुए तीरों को रोक सकते हो। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप पहन लो। उद्धार का टोप जानते हैं, हेलमेट आजकल मोटरसाइकिल पे बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो सर में चोट लग गई तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हेलमेट पहनना लड़ाई में जाने से पहले बहुत जरूरी है। सर पर टोप लगाना बड़ा जरूरी है। देखते नहीं हो पुलिस वाले जब निकलते हैं तो पूरा टोप, आर्मी वाले भी टोप पहने रहते हैं, हेलमेट पहन के निकलते हैं लड़ाई पर। तो ये एक सोल्जर का, एक सिपाही का ड्रेस बता रहा है परमेश्वर का जन। कह रहा है आत्मिक युद्ध है ये,
और आत्मिक युद्ध में तुम एक सोल्जर हो, एक योद्धा हो, और एक योद्धा को जो हथियार बांधना चाहिए वो यही है कि उद्धार का टोप। उद्धार क्या है? उद्धार का टोप मैं कैसे पहनूं? बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, यानी उद्धार पाए। जब विश्वास की ढाल हो गई, उद्धार का टोप पहन लिया, तो आत्मा की तलवार भी प्रभु दे देगा। हालेलुया। आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है जो बाइबल में लिखा हुआ है। इस वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की वाणी है। ये वाणी प्रभु की जो है तलवार है, ये दोधारी तलवार है। प्रभु के वचन की वाणी ही तो है सब कुछ। यीशु दरबार में हम यीशु मसीह की वाणी के द्वारा ही तो शैतान को हराते हैं, यानी वचन का इस्तेमाल करते हैं, जो वचन की तलवार है, परमेश्वर के वचन की तलवार है। परमेश्वर का वचन ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी मुझे बोलने के लिए ऐसा प्रबल वचन मिले कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोल सकूं। ये हमने अपने शत्रु को पहचान लिया, हमने हथियार के बारे में सीख लिया। अब हमें इन हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार कौन देगा? अधिकार वो देगा जिसने इन हथियारों का इस्तेमाल करके शैतान को हराया है और हमारे सबसे बड़े शत्रु को हराया है। वही अधिकार दे सकता है, वही हमें कमीशन कर सकता है, वही आर्मी में हमारी भर्ती कर सकता है। आर्मी का चीफ वही होगा जिसने सारे हथियारों का इस्तेमाल करके हमारे सबसे बड़े शत्रु, जिसका नाम मौत है या मृत्यु है, उसे हराया है। उसका नाम क्या है? यीशु। क्या नाम है उसका? जिसने मौत को हराया, हमारे शत्रु को हराया, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? जय यीशु। जय यीशु। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु को हराने वाले का नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह कैसे हराया? सत्य से हराया। यीशु ने कहा, जब लोगों ने कहा कि हे प्रभु, हमें केवल मार्ग बता दीजिए, किस मार्ग पर हम चलें कि हमारा उद्धार हो जाए, तो यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे थे उनके चेले। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के 14:6 में लिखा है, जिस मार्ग को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, जिस सत्य को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, जिस जीवन को तुम पाना चाहते हो वो मैं ही हूँ, यदि तुम पिता परमेश्वर के पास पहुँचना चाहते हो तो मेरे ही द्वारा तुम्हें निकलना होगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है जो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने बोला और इसमें लिखा गया है, और ये वचन आज भी कारगर है। लोगों ने कहा, हे प्रभु, हमें अंधकार से ज्योति में ले चल। हम अंधकार में फंसे हुए हैं, संसार अंधकार में है, हमें अंधकार से ज्योति में ले चल। तो यीशु ने कहा, यूहन्ना के 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने हमारे अंधकार को मिटा दिया, हमें मार्ग दिया, हमें सत्य दिया, हमें जीवन दिया है, हमारे जीवन का अंधकार मिटा दिया। लोगों ने कहा, हे प्रभु, हमें मृत्यु से बचा, हमें अनंत काल की मृत्यु से बचा, हमें विनाश से बचा। यीशु ने कहा,
मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, और जो कोई मुझे ग्रहण कर लेगा वो अनंत जीवन को ग्रहण कर लेगा। हालेलुया, अनंत जीवन को ग्रहण कर लेगा। फिर यीशु मसीह ने इसका प्रमाण दिया मेरे प्रियो। कैसे प्रमाण दिया? उन्होंने अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो सत्य हैं, इसलिए उनके जुबान से कभी झूठ नहीं बोला गया। लोगों ने पूछा, परमेश्वर के पुत्र हैं? यीशु ने कहा, हां मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि मैं किसी आदमी की सहायता से पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, मैं माता के गर्भ से कुआरी मरियम से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा शरीर धारण किया है, देह धारण किया है, मैं किसी आदमी की औलाद नहीं हूं। सत्य है ये, और इसीलिए यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। लेकिन उस जमाने में अगर आपने परमेश्वर का पुत्र अपने को कह दिया तो उसे कहते थे ब्लेस्फेमी, ईश निंदा, और ईश निंदा का चार्ज यीशु मसीह पर लग गया कि अपने आप को ईश्वर के तुल्य कहता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तो ईश्वर हुआ ये। यीशु ने कहा, जो मैं हूं सो मैं हूं, मैं कैसे कह दूं मैं क्या हूं नहीं हूं, मैं जो हूं वही तो हूं, और वही मैं कहूंगा तुमसे, जो मैं था, जो मैं हूं और जो मैं रहूंगा, मैं वही हूं जिसे इब्राहिम ने देखा, जिसने बड़े बड़े प्रॉफिट्स ने देखा मुझे। वो लोग कहने लगे, अजीब बात कर रहे हैं आप, 50 साल की उम्र के हुए नहीं है और आप कह रहे हैं इब्राहिम ने आपको देखा है, इब्राहिम आपके दिनों को देख के खुश हुआ। यीशु ने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं, मैं हूं। यीशु ने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम जमीन पर पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया, इसका अर्थ है वो परमेश्वर है और देह धारण करके मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया है ताकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करे। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य झूठ का गुलाम हो चुका था, उसे सत्य ही छुड़ा सकता है। मनुष्य अंधकार में चल रहा था, उसे ज्योति ही अंधकार से बाहर निकाल सकती है। मनुष्य मृत्यु के लोक में रह रहा था, उसे जीवन ही जीवन दे सकता है। हालेलुया, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन हूं। दुख दिया गया यीशु मसीह को, 39 कोड़े उनकी पीठ पर मारे गए, शरीर में लहू बह रहा था, सर से नीचे तक छल गया था, सर पर कांटों का ताज ठूंस दिया गया था, लहू बह रहा था, हाथों में कीले ठुके हुए थे, पैरों में कीले ठुके थे, क्रूस पर टंगे थे प्रभु, और शैतान इतनी कोशिश कर रहा था कि अपने मुंह से वो श्राप दे दें, जैसे अंधों की आंखें खोलते थे, बहरों के कान खोलते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, केवल अपनी वाणी से, अपने मुंह से निकले हुए शब्द से। यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, इसीलिए उन्होंने मृत्यु का शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। श्राप मृत्यु लाता है, श्राप किसी को नहीं दिया उन्होंने, जो उन्हें दुख दे रहे थे उन्हें भी यीशु ने श्राप नहीं दिया। दुख देने वालों के लिए मृत्यु नहीं मांगी, परंतु कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह सारी मानव जाति के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर टंगे थे ताकि पाप का दंड जो मृत्यु है उसे लेकर कब्र में जाकर उसे हरा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठें। यीशु मसीह जानते हैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और ये एक ऐतिहासिक घटना है यीशु मसीह के जी उठने की। इसीलिए हम 2017 ईस्वी कहते हैं। आज की तारीख क्या है? 1 अक्टूबर 2017 ईस्वी, ईस्वी है ये, एडी। इसका अर्थ है यीशु मसीह प्रभु है सबका, यीशु प्रभु है सबका। तब ये तारीख दी गई है दुनिया में, दुनिया ने देख लिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तब ये तारीख दी गई है यीशु मसीह के नाम से।
आज हर आदमी इस तारीख को मान रहा है, लेकिन इस तारीख के पीछे कौन है, इस तारीख को बदलने वाला कौन है, इस जीवन को देने वाला कौन है, उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं। उसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। और उसी के नाम से हम तारीख ले रहे हैं आज दुनिया में। बिना यीशु मसीह के नाम से बैंक में से एक रुपया नहीं निकाल पाओगे मेरे प्रियो, कहीं कोई काम नहीं हो पाएगा। सारे एग्रीमेंट साइन करोगे, तारीख यही डालोगे, चाहे भारत हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई देश क्यों ना हो, तारीख तो उन्हें यीशु मसीह के नाम की ही डालनी है। तो फिर इनको मानते क्यों नहीं हो? समय आ चुका है कि खुलकर मनुष्य जाने कि मनुष्यों की तारीख बदलने वाला, मनुष्यों की तकदीर बदलने वाला, मनुष्यों का जीवन बदलने वाला, मनुष्यों को अनंत जीवन देने वाले का नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसी यीशु मसीह का हम यीशु दरबार में प्रचार करते हैं, ताकि हर एक मनुष्य इस सत्य को जान ले, ताकि ये सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके, आजाद कर सके ये सच्चाई। और ये सच्चाई आजाद कर सकती है पाप से, श्राप से और अनंत मृत्यु से। हमें अनंत जीवन में ले जा सकती है सच्चाई, ये हमें अनंत ज्योति में ले जा सकती है सच्चाई। यही सच्चाई है जिस पर परमेश्वर का धार्मिकता और धर्म स्थिर है। हालेलुया। स्वर्ग में और पृथ्वी में, दोनों में स्थिर है। तो इसलिए मेरे प्रियो, इस सच्चाई को जानो, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने हमारे वास्ते हमारे पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठा लिया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से मेरे प्रियो, हम और आप सब चंगे होते हैं। आमीन। इस समय अगर प्रभु की अपना जीवन यीशु को देना चाहते हो, यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएंगे, यीशु आपके हृदय में आएगा। वो जबरदस्ती कहीं नहीं जाता, बिना बुलाया मेहमान नहीं है वो। बिना बुलाए मेहमान का नाम दुष्ट आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, शैतान है, बुराइयां हैं, झगड़े हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं आपके घर में। कभी कोई बुलाता है झगड़े को, कभी कोई बुलाता है मृत्यु को, लेकिन बिना बुलाए आ जाती है। परमेश्वर बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाता। बुलाओगे तो आएगा, नहीं बुलाओगे तो दरवाजे पर खड़ा रहेगा, खटखटाता रहेगा। यीशु मसीह आज दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। यदि आप दरवाजा खोलोगे, आपके घर में आएगा, आपके हृदय में आएगा, वो आपसे बात करेगा, आपसे संगति करेगा। जय यीशु। यीशु दरबार के आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी, और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इस नंबरों पर फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास।